हर रोज खुद से यही कहते हो कि यार कल से जल्दी उठूंगा, रनिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, यार कल से पक्का। जरा सोच कर बताना कि कितने सालों से तुम यही कहते आ रहे हो, क्या वो कल आया? नहीं ना। अब और कितने साल यही कहते बिताओगे? खुद को और लोगों को कितना पकाओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कल से पक्का जिम जाओगे? और चले भी गए तो कितने दिन निभाओगे? दो दिन, चार दिन, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता? दिन भर दोस्ती यारी, सोशल मीडिया, सोने के टाइम पे जागते हो, जागने के टाइम पे सोते हो, अलार्म तो हर रोज लगाते हो, लेकिन जब बचता है तो बार बार स्नूज दबाते हो, और अंत में अलार्म बंद कर अपनी कंफर्ट जोन की चादर ओढ़कर यही सोचकर फिर से सो जाते हो कि कल से पक्का। जिस सपने को सालों से हर दिन अलार्म बंद कर तुम अपने बिस्तर में अपने साथ सुलाते चले आ रहे हो, जिसके ख्याली पुलाव दिमाग में पकाते चले आ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ही सोते सोते तुम अपने इस सपने को सच में कभी सच कर दिखाओगे? याद रखो, पुलाव चावल से बनाओ या ख्यालों से। यदि ज्यादा पकाओगे तो पुलाव की खिचड़ी बन जाएगी। देखो दोस्त, अगर सच में बॉडी बनानी है ना, तो दो बातें गांठ बांध लो। पहली बात, बॉडी तभी बनेगी जब तुम इस कल पे टालने की आदत को छोड़ हर दिन जिम में पसीना बहाओगे, और दूसरी, जब इस पहली बात को बिना भूले इस नियम को पूरी शिद्दत से निभाओगे। वरना तो हर साल की तरह ये साल भी यूं ही निकल जाएगा, और फिर से बनाना एक नया रिजोल्यूशन, कुछ नए नियम खुद के लिए। लेकिन नियम बनाने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है नियम निभाने से, और उसके लिए जरूरी है आदतों को बदलना। जानते हो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस, तुम्हारा आलस, और तुम्हारे आज के काम को कल पर टालने की तुम्हारी आदत। इसीलिए या तो बॉडी बनाने का सपना छोड़ दो, या फिर अपनी इन आदतों को, और ठान लो एक बार पूरी शिद्दत के साथ, बिना आलस, बिना कोई बहाना बनाए, हर रोज एक घंटा जिम में अपनी बॉडी को देना है। और यकीन मानो, हर रोज बिना फेल हुए जब तुम जिम में एक घंटा अपनी मेहनत का पसीना बहाओगे, तो तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होगी। और दृढ़ संकल्प शक्ति और स्ट्रांग माइंड वाले लोग ही इस दुनिया में जीत हासिल करते हैं। बॉडी बनाना मजाक नहीं है, ये एक साधना है। और यदि बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए तुम सीरियस हो, तो तुम्हें अनुशासन, विश्वास, हिम्मत, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हर रोज जिम जाकर मेहनत की भट्टी में तपना होगा। तभी तुम सोना बन पाओगे, तभी तुम अपने आप पर गर्व कर पाओगे। बंद करो खुद पर तरस खाना, दया दिखाना और आलस करना। थकान, दर्द जितना भी हो, अनुशासन और निरंतरता के साथ लगे रहो। कमजोर नहीं हो तुम। हर सुबह जल्दी उठने के संकल्प को तोड़कर अपने दिन की शुरुआत हार से मत करो। ये मानव शरीर अपने आप में अनंत संभावनाएं रखता है, और यदि तुम चाहो तो उन अनंत संभावनाओं को खुद में खोज सकते हो। अपनी फिटनेस से, अपनी बॉडी से उन लोगों को गलत साबित कर दो जो तुम्हें दुबला, पतला, मोटू, पेटू आदि जैसी बातें बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठान लो कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ में अपनी पहचान बनानी है। जो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उन लोगों का मुंह बोल कर नहीं, अपनी फिटनेस की टेप से बंद करना है। ठान लो कि ईमानदारी से हर दिन जिम में खुद को चैलेंज करना है, और हर दिन खुद को आजमाना है। रास्ता भले ही मुश्किल हो या लंबा, अब रुकना नहीं, कुछ कर दिखाना है। और कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज दबाकर सोना नहीं, उठना है। खोना नहीं, पाना है। बनाओ अपनी एक ऐसी पहचान की हर जगह अपनी पहचान ना बतानी पड़े। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।